नमस्कार, मैं आयशी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कल शाम को एक बार फिर राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही देखने को मिली। नसरुल्लागंज में खनन को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिलने के बाद कल नवागत SDM दिनेश सिंह तोमर, तहसीलदार PC पांडे एवं SDOP प्रकाश मिश्रा ने कार्यवाही कर 8 रेस से भरे वाहनों को जब्त कर खनिज प्रकरण के तहत कार्रवाई की, जिसमें से 5 डंपर ओवरलोड एवं 3 बिना रॉयल्टी पाए गए। सूत्रों के अनुसार जानकारी में भी यह आया कि खनन कंपनी द्वारा लंबे समय से एक काला खेल चल रहा है, जिससे बड़गांव से गाड़ी भर रॉयल्टी जहाज पूरा कर दी जाती थी। कल जब नाके में वाहन जब्त किए गए तो उनके पास कुछ वाहन से जहाज पूरा की रॉयल्टी प्राप्त हुई, जबकि कंपनी द्वारा खनन दूसरी खदान से किया जा रहा था और रॉयल्टी दूसरे स्थान की दी जा रही थी। और पता नहीं ऐसा खेल कब से जारी है, इससे प्रतीत होता है कि किस प्रकार खनन माफिया सरकार को चुनौती दे रहे हैं। यह भी आया कि नाके पर रॉयल्टी भी तय समय से अधिक समय तक बना कर दी जाती थी, जिससे कि कई वाहन नो एंट्री में आवागमन करते थे। इसके द्वारा प्रशासन कई बार समझाने के बाद भी कंपनी संचालक ने कोई ध्यान नहीं दिया एवं ओवरलोड परिवहन निरंतर करवाता है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इस बार बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। नसरुल्लागंज से चांदनिया की रिपोर्ट, KKR न्यूज भोपाल। जो अवैध वाहनों पर कार्रवाई की गई है, क्या है ये पूरा मामला? काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी और उसके चलते हुए आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से इसमें SDOP और हमारे तहसीलदार और बाकी हमारी जो टीम थी वो निरीक्षण करने के लिए गए थे। सुविधाओं का अच्छी स्थान पर हमें 8 गाड़ियाँ हमको मिली हैं। उनमें 8 गाड़ी में से 5 गाड़ी के पास में रॉयल्टी थी और 3 ओवरलोड थी, और जो एक गाड़ी सुबह भी हमने पकड़ी थी। क्या इस प्रकार से आगे भी इस पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।